हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज़ विश्वकर्मा एंड आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और आज की माइनक्राफ्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत बड़ा हाउसेस। अपने नॉर्मली माइनक्राफ्ट के प्लेयर के 2 ब्लॉक्स की हाइट होती है, ठीक है। माइनक्राफ्ट में जो अपना प्लेयर होता है उसकी हाइट सिर्फ 2 ब्लॉक्स की होती है, बट ये हाउस इतना बड़ा है कि मतलब मैं आपको दिखाऊँगी। और हाँ, इस हाउस को देखने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती थी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जाना वो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड सॉरी, दिख गया थोड़ा सा, अभी रात हो रही है ना, मैं तो डे कर लेती हूँ मैं पहले, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने वेदर क्लियर कर दिया क्योंकि भाई वो जो आपने कार्तिक और परी वाला मेरा वो सिटी देखा ही होगा आपने, ठीक है। तो सिटी में ना इतनी बारिश होती है कि जब भी मैं वेदर क्लियर करती हूँ ना तो दूसरे वर्ल्ड में वेदर क्लियर का ही हो जाता है, मतलब आदत पड़ गई वेदर क्लियर की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है वेदर बारिश माइनक्राफ्ट में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। अरे ऐसा तो नहीं दिखने वाला है, उड़ के बताऊँगी। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाउस है। इसका जो इंटीरियर है ना गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। मतलब जो भी इसमें सोफे वोफे वगैरह रखे हैं ना, वो भी बड़े होने वाले हैं। ये देखो, मैं इधर खड़ी होती हूँ, ये मेरी इतनी हाइट, और बाकी ऊपर देखो कितना लंबा जा रहा है भाई, इतना बड़ा। और मैं आपको पूरी चारों तरफ घूम कर बता देती हूँ, ठीक है। और ये ना थोड़ा और बड़ा था, बट ये थोड़ा सा कट गया यहाँ पे से, तो ये देखो। और हाँ, ये एक और हाउस है, इस हाउस को मैं आपको बताऊंगी। बट इसको पता मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये भी शायद इसकी तरह बड़ा ही होगा, पर मैंने जैसे डाला क्योंकि इस पर लिख के आया था कि बिग मॉडर्न हाउस, बट ये नहीं है, बड़ा ही छोटा ही है। और ये पूरा खाली है, मतलब इसका इंटीरियर अपन को ही करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो डाल दूँगी एक और इसमें इंटीरियर की, ठीक है। अब मतलब इसमें इंटीरियर करने वाली हूँ मैं, तो उसकी वीडियो भी डाल दूँगी। और ये देखो, ये किस टाइप का है पूरा, देखो कितना बड़ा हाउस है। तो मैं इसका मतलब अंदर इसके जितने फर्नीचर हैं सब बड़े, इसके विंडो देखो भाई, इसके अंदर से अपन लोग अंदर भी जा सकते हैं बिना कुछ किए। और ये यहाँ पे भी, ये किचन है, मैं आपको बता दूँगी, बहुत बड़ा है वैसे तो, ये बताते बताते थकने रहा हूँ। और ये स्विमिंग पूल में पानी ही बाहर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्योंकि ना कट गया है थोड़ा सा, नहीं तो और बड़ा था इसलिए पानी का ऐसे बता रहा है, नहीं तो वो पूरा उसमें था। तो अभी चलते हैं। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये एक डॉगी खड़ा है, और ये जो इस घर में रहता है वो इंसान है। यहाँ पे देखो, क्या आदमी पता नहीं डॉगी के लिए कुछ है, और इसकी इतनी लंबी पूछ, और ये पूरा गार्डन है। तो इधर से अपने एंट्रेंस से इधर जाएंगे। ये देखो डोर कितना भाई, कितना मस्त लग रहा है वैसे ये बेड। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्री है, और ये इधर पे डिज़ाइन है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वॉल नहीं है इतनी बड़ी, तो अपनी घर की वॉल होती है, बट ये एक सोफ़ा है। ये देखो, ये एक सोफ़ा है। देखो इतनी बड़ी बोलते अपन लोग अपने घर के लिए बनाते हैं ताकि अपना घर ढक बन जाए अच्छे से, इतना बड़ा बनाते हैं ना। कमेंट्स बताना कितने बड़े बड़े बनाते हो, तो इतना ही बड़ा तो मैं बनाती हूँ, बट इतना बड़ा ये सोफ़ा है। ये देखो भाई, यहाँ पे बैठ कर सामने तरफ टीवी है वो देखो। हाँ, ये सोचोगे ना नाइट विज़न का मेरे पास क्यों है, ये इस घर में इतना अंधेरा था ना तो मैंने नाइट विज़न ले लिया, इसलिए मैं नाइट विजन लेके रखा हुआ था। और हाँ, मैं आपको एक और बताने वाली हूँ, बड़ा वाला हाउस ही पार्कोर वाला है, बट मैं इसे पार्कोर नहीं करने वाली, बताऊँगी बस आप लोगों को, वो माइनक्राफ्ट का ही है पूरा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे अपना सोफ़ा है, इधर पे एक और सोफ़ा, यहाँ पे टेबल, मतलब इस पर बैठ सकते हैं, और ये यहाँ पे है टेबल, और सामने तरफ में टीवी, और यहाँ पे ये देखो फ्लावर पॉट्स कितने मस्त लग रहे हैं यार भाई, मतलब कुछ कुछ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतना कूल लग रहा है। और यहाँ पे ये देखो कितनी बड़ी अलमारी है, यहाँ पे ये अपनी चीज़ें रखने के लिए, जहाँ पे ड्रैगन हेड रखा हुआ है ये देखो। और इसके बाद इधर पे आएंगे तो इसके ना एंट्रेंस यहाँ पे से है, मतलब नॉर्मल तो दरवाज़ा है ये पूरा, हम इसे खोल नहीं सकते, तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। और ये देखो भाई कितना बड़ा, ये वॉशरूम है, यहाँ पे सिंक है, और ये टॉयलेट है, और ये मिरर है। नहाते कहाँ हैं वैसे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखो यहाँ पे टॉवल ओवल भी रखे हुए हैं भाई, कितना मस्त है। अभी चलते बाहर। ओके, एंड यहाँ पे है एक बड़ा बेडरूम, ये हो भाई महाराजा बेडरूम है। यहाँ पे मैंने थोड़ा उजाला करके रखा था, उसके बाद मेरे को फिर बाद में क्या लगा कि नाइट विज़न भी तो है, फिर मैंने नाइट विज़न लिया था। ये देखो यहाँ पे बड़ा सा बेड, यहाँ पे और यहाँ पे टेबल, ये सॉरी लैम्प, और ये अलमारी बड़ी सी, ठीक है। और ये देखो टीवी भी, ये पता नहीं क्या है, यदि टूटी हुई टीवी है यहाँ पे। ये देखो, ये भी दरवाज़ा पूरा फुल, नीचे भी एक बेडरूम है, ठीक है। एंड उसके बाद ये तो अपन ने देख ही लिया भाई, इसको मैं भूल ही जाती हूँ मैंने कौन कौन सी चीज़ देखी कौन कौन सी नहीं देखी है। तो इधर पे तो अपन ने देख लिया, उसके बाद ये आता है अपना पूल टेबल वाला एरिया। यहाँ पे ये मैं तोड़ के देख रही थी कि यहाँ पे इतनी रोशनी कैसे, तो देखो यहाँ पे
ये इसको क्या बोलते हैं, ये लाइट लगा के रखी हुई, नाम याद नहीं आ रहा, ग्लो स्टोन वाली लाइट होती है ना, वो शायद से ये। ये देखो यहाँ पे, और ये पूल टेबल पे भाई स्कल ये रख दी है ये सारी। ये देखो ये इनकी वो मुंडियाँ होती है ना, क्रीपर हेड, ये सब हेड इनको रख दिया ताकि वो बॉल्स है। और यहाँ पे भी एक और इंसान खड़ा हुआ है, अपने पता नहीं क्या लेकर जा रहा है। और ये यहाँ पे भी देखो, ये डाइनिंग टेबल भाई, ये मुझे इस घर में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही रखी यही लगी डाइनिंग टेबल की, क्योंकि इन्हें अच्छे तरीके से खड़ी हुई है डाइनिंग टेबल और ये कुर्सियाँ। ठीक है, उसके बाद ये आता है अपना किचन। ये देखो ये यहाँ पे भाई कितना बड़ा है, कितना बड़ा किचन। ये देखो यहाँ पे ये चम्मच वम्मच टंग रही है, ये गैस स्टोव, यहाँ पे सामान रखे हुए हैं, और ये सिंक, भाई सिंक बड़ा मस्त है। और एक सेकेंड, ये जो नीचे की वो होती है ना, जहाँ पे अपन लोग अपने सामान रखते हैं, मतलब ड्रॉर्स व्रोर्स होती है ना, इसके अंदर अपन एक प्यारा सा घर बना लें, मतलब पूरा घर नहीं, इसके अंदर अपन बेड एड रख कर ना वो कर सकते हैं, मतलब यहाँ से दीवार उठा दो और यहाँ से भी दीवार उठा दो, यहाँ पे बेड फर्नीचर रख के सब वो कर लो अपने काम। भाई इतना इतना बड़ा बड़ा है ना ये, अपने वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं इजीली। ये देखो गैस स्टोव बस, और ये देखो ऊपर ये यहाँ पे भी है इतने सारे। ये देखो यहाँ पे चिमनी भी लगाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे, और ये इधर पे देखो, ये एक बड़ा सा फ्रिज, ये देखो भाई कितना बड़ा फ्रिज है ये। और ये यहाँ पे देखो विंडो में कुछ नहीं, अपन यहाँ से जा सकते हैं आराम से, ठीक है। और उसके बाद ये देखो ये वाला एक छोटा सा एरिया है, मतलब ये बालकनी टाइप है थोड़ा सा, ठीक है। और अभी सोचो यहाँ पे इस टाइप से वुड के लगाई हुई है, यहाँ पे इतना सा दरवाज़ा, बट अगर आप यहाँ इस साइड से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो वुड अपन को उस साइड से दिख रहा था ना, ये बड़ा सा डोर है, और अपने निकलने के लिए वहाँ पे छोटा डोर लगाया हुआ है। भाई कितना कूल लगा यार ये, कितना बड़ा है बिल्कुल, ठीक है। अपन देखो अपन कितने छोटे लग रहे भाई, इस फ्रिज के सामने खुद ही देख लो इतने छोटे लग रहे अपन लोग। तो अभी इस डोर से बाहर निकलते हैं, स्लाइडिंग डोर जैसा है पूरा बिल्कुल। और ये बाहर जाने का रास्ता है इधर पे, ठीक है। एक तो दरवाजे भी इतने बड़े बड़े हैं यहाँ के। ओके, तो ये तो देख लिया अपन ने। हाँ ये वाला रूम और बचता है, तो ये दिखा देती हूँ। ये ज़्यादा खास तो नहीं है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ग्लास तोड़ने पड़ेंगे इसके लिए। तो ये देखो यहाँ पे ये क्लोजेट लोजेट अनमारी, अनमारी जो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना उसके लिए। ये देखो यहाँ पे ड्रॉर्स वोर्स रख दिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ेस होती है ना अपने पास वो एकदम, इसलिए ज़्यादा खास रूम नहीं है। आप चलते हैं ऊपर पे। हाँ पहले ये देख लो यहाँ पे कितनी मस्त डिज़ाइन है। अभी चलते ऊपर। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे पहले देखने में तो ऐसा लगा था कि ये मतलब ये सब ऐसा वाला नहीं होगा, अपन इसमें आराम से चढ़ के जा सकते हैं, बट जब मैं इधर पास में आके चढ़ने की कोशिश की तो देखा था कि कुछ इस टाइप में। भाई ये नॉर्मली किस टाइप की सीढ़ी बनाई हुई है, अपन लोग तो चढ़ ही नहीं सकते, तो अपन को इसमें ऐसे करके चढ़ना पड़ेगा, उड़ उड़ के ही चढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो अपन लोग चढ़ नहीं पाएंगे इसमें। मतलब ये नॉर्मली बड़े लोगों के हिसाब से बनाया ना, यहाँ पर खाली सा एरिया भी है। तो चलते अभी ऊपर, यहाँ पे ऊपर पे देख सकते हो, यहाँ पे भी वैसी की वैसी सीढ़ी है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे रेलिंग लगाई हुई है कितने अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये अपना लिविंग एरिया आता है, यहाँ पे देखो भाई मतलब बहुत मस्त लग रहा है। जैसे बड़े बड़े जो हाउसेस होते हैं ना उसमें भी ऐसे ही होता है, वो सीरियल्स में जो हाउस बताते हैं बिल्कुल। और ये देखो यहाँ पे एक पियानो रखा हुआ है, इससे ऊपर भी अपन लोग जाएंगे। अब इधर देख लेते हैं, इधर पर फर्स्ट ये वाला वॉशरूम है। ये देखो यहाँ पे ये एक टॉयलेट सीट है, और ये अपना सिंक है। ये देखो सिंक में ये भी लगा हुआ है भाई, पर इससे तो अपन लोग नीचे चल जाएंगे। ओके, सिंक के बाद यहाँ पे है शावर आवर वाला एरिया, यहाँ पे नहा सकते हैं। और देखो बाहर बारिश होने लग गई, अभी मैं नहीं कर रही वेदर क्लियर, क्योंकि अपन को अंदर कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा कि बारिश हो रही है कि नहीं, ठीक है। और ये देखो भाई इतना बड़ा एरिया कि अपन को पीछे ऐसा वाइट वाइट सा दिख रहा है। ये देखो कितना ये बहुत मस्त लग रहा है ये, कि बारिश होने से ऐसे इसलिए से लग रहा है, मैं वेदर क्लियर कर ही देती हूँ। ज़रूरत तो नहीं है वैसे। ओके, एंड अभी ये भी डोर ही ये लग रहा है, पता नहीं किस काम का। चलो अभी इधर चलते हैं, इधर पे आएंगे तो इधर पे आपको सब लोगों के बेडरूम्स दिखने वाले हैं। ये है ना, ये बेडरूम्स नहीं है, ये तो बस ऐसे डिज़ाइन के लिए है। फर्स्ट इधर चल भाई, इतना बड़ा दरवाज़ा बनाया हुआ है जिसमें से जाना अपन को इसमें से है। ये देखो यहाँ पर डोर है, और ये देखो कितना बड़ा बेडरूम है। ये यहाँ पे बड़ा सा बेड लगाया हुआ है, ये भाई ये डिज़ाइन बड़ी मस्त है। और ये यहाँ पे ये देखो अलमारी भी है, और सामने टीवी, ये टेबल, ये कुर्सियाँ लगाई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी कुर्सी है, यहाँ पे अपना वर्कर, सॉरी ये मेरा इधर है, वर्कर को बोलते हैं मेरा अपना क्या बोलते ड्रेसिंग टेबल टाइप है पूरा। और ये देखो यहाँ से भी बाहर निकलो,
कि देखो भाई एक विंडोज़ बाहर निकल सकता है, ये कर्टेंस लग रहे हैं इसके, देखो यहाँ पे कितना कूल लग रहा है भाई, इतना इतने बड़े बड़े हैं और अपन कितने छोटे लग रहे हैं, अपन से कूद के चढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी रूम है, बता देती हूँ, टोटल 4 बेडरूम है, 1 नीचे 3 ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलते इधर, तो इधर ये वाला बेडरूम तो सबसे मस्त लगा क्योंकि इसमें ना ये देखो अटैच वॉशरूम भी है, ये देखो यहाँ पे अपना सिंक हो गया, ठीक है, ये अपना बाथ टब हो गया, ये बहुत अच्छा लगा है मुझे अब तक वॉशरूम में। और ये टॉयलेट सीट हो गई अपनी, ये देखो यहाँ पे शावर आवर ऐसा सिस्टम पूरा, ये मुझे बहुत, ये वाला बेडरूम मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे एक बालकनी भी है बड़ी सी, ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली बालकनी से ना इसमें ना दो दो बालकनी है, मतलब ये तो है ही बालकनी और एक ना इधर पे भी बालकनी है, बट ये पता नहीं मुझे वॉल्स वॉल्स लगाई या फिर ऐसे यहाँ पे मिरर विरर लगने थे। ये देखो यहाँ पे बालकनी, यहाँ पे चेयर वेयर भी लगी हुई है फुल, कितना मस्त लग रहा है ना। और उसके बाद ये आती है अपनी बेड, ये देखो यहाँ पे अपना बेड है एकदम बड़ा महाराजा वाला बेड, ठीक है। और ये ऊपर की डिज़ाइन, डिज़ाइन भी बहुत मस्त, बेड ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये सामने अपनी टीवी है, और ये देखो यहाँ पे वो लाइट भी जल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर भी अपने प्यारा सा घर बन जाएगा। और ये देखो इसके सब में तो अलमारी ऐसे लगी हुई है, बट इसमें देखो इसमें किस टाइप से लगी है अलमारी, ये देखो एक पूरा रूम है अलमारी का। ये देखो यहाँ पे अपनी लेगिंग्स टंग रही है, ये अपने बूट्स टंग रहे हैं, अपनी चेस्ट प्लेट नहीं टंग रही है, बस बस ये रूम मुझे अब तो बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो अभी इधर आएंगे, इधर पे हाँ आप एक और वाला दिखाती, ये वाला एक ये वाला भी है, जहाँ पे भी इसमें भी सेम वैसी है अलमारी, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अपने बूट्स टंग रहे हैं, ये अपनी लेगिंग्स, अपनी चेस्ट प्लेट टंग रही है, इसमें तो बस हेलमेट नहीं है अपना इधर पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बेड है, बट मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगे क्योंकि वहाँ पे ना वो भी है, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे तो, हाँ वहाँ पे बालकनी भी नहीं है, मैं भूल जाती यार कभी कभार, वहाँ पे बालकनी भी है और इसमें बालकनी नहीं है बस इस टाइप की, और अटैच वॉशरूम भी नहीं है, उसमें अटैच वॉशरूम बालकनी सब है, ठीक है। और ये देखो ये बेड भी बड़ा मस्त है, पिलोस रखे हुए हैं, और ये देखो भाई नाइट विजन में ये कितना मस्त लग रहा है नाइट, ये देखो नाइट विजन में, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो कितना मस्त, यहाँ पे टीवी में ये क्यों लगा के रखा है, बस ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और बाय द वे ये तो मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगा है ये वाला एंड। अभी चलते हैं ऊपर, इसके ऊपर मैं आपके बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ बताने वाली हूँ, जैसे आ रही बताते हुए, लेकिन इसके ऊपर ना पूरा खाली है सब कुछ। ये देखो ये तो एक छत का रास्ता है, यहाँ पे सब लोग अपने छत पे आ सकते हैं, ठीक है, ये छत का रास्ता है और ये पूरा खाली है, मतलब ये देखो यहाँ पे भी डोर डोर्स नहीं बने हैं, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे और रूम बन सकते हैं तो बने नहीं है बस अभी वो। ये देखो यहाँ पे एक और ये डोर टाइप ही लग रहा है, ये देखो इसमें तो इसमें इसमें तो अटैच बालकनी भी है, अगर इस रूम को मैं डेकोरेट कर सकती हूँ करना हो तो मुझे, बट मैं इतना अच्छा डेकोरेट कर नहीं पाऊँगी, ठीक है, देखेंगे कर सकती तो कर लूँगी, मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। और वीडियो बनाऊँगी भी हो जाए तो मेरे से यहाँ पे भी, और ये तो वॉशरूम ही बनेगा पक्का, ठीक है। अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाने के लिए सही है बस ये, अपन नीचे आराम से कूद के जा सकते हैं, सर्वाइवल में डैमेज भी नहीं पड़ेगा, बट ये बात है कि सर्वाइवल में उनको डैमेज पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक आयरन डोर क्यों लगाया हुआ है, मैं तोड़ के देख रही हूँ, कुछ भी तो नहीं है, अच्छा नहीं वो डिज़ाइन के लिए लगाया था, सॉरी गलती से मैंने तोड़ दिया, वो डिज़ाइन के लिए लगाया था, ठीक है। तो गाइस वाई द वे आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो है वो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।